विश्वास तुम ही रहती सदा हो मेरे पास तुम ही वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबके यहाँ आए, प्रवेश करे, सुख समृद्धि दे और आपके यहाँ कभी धन की कमी न हो। माता रानी की कृपा हमेशा आप सब पर रहे, बस यही कामना है मेरी। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी धनतेरस। तो हम जा रहे हैं। सो गाइस, हैप्पी धनतेरस। इस मर्तबा आप अपने परिवार के साथ बढ़िया धनतेरस में हैप्पी रहें, खुशहाली से बनाएं और आज के दिन तेरा दीपक ना जलाना भूले। घर के अंदर और बाहर दोनों ही माता धनवंतरी को आप दिल से नमन करें और साथ में माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी को भी साथ में नमन करें। आपके घर कभी भी धन की कमी ना नहीं होगी। तो थैंक यू। तो ना आज हम जा रहे हैं कुछ खरीदारी करने। आप सबको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं। आएंगे तब आप सबको बताएंगे। फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ और मुझे ना कल परसों के लिए बहुत सारे फ्लावर्स भी चाहिए। जो फूल तो मिलते नहीं हैं, बहुत महंगे में बिकेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जंगल में एक जगह पर फूल देखी हूँ, वहाँ बहुत सारा फूल खिला हुआ है, तो वहाँ से मैं आज तोड़ कर लाऊँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। कमल का फूल लाने का भी सोच रही हूँ, शायद अगर वो आ जाए मेरे हाथ से तो मैं तोड़ लूँ, बाकी दूर होगा तो नहीं कर पाऊँगी। तो चलते हैं, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप सब बने रहिए, हम कहाँ कहाँ जाते हैं आप सब देखते रहिए और वीडियो एंड तक देखना। ये कल अपलोड होगी ये वीडियो, आज धनतेरस है, धन चौदस को अपलोड होगी। तो रात का भी हम आप सबको दिखाएंगे कि हम धनतेरस कैसे सेलिब्रेट किए। तो बने रहिए हमारे व्लॉग पे। तो आज आप सबको मैं मैनपुर की सैर कराऊंगी, मार्केट साइट। तो ये है मैनपुर की मार्केट साइट। तो यहाँ थोड़ी सी हलचल चहल पहल सी है, सब खरीदारी कर रहे हैं, सब दिया वगैरह, पूजा के सामान, बहुत सारी चीज़ खरीदारी कर रहे थे। हम कार पे आए हुए थे और मैं आप सबको दिखा रही थी कि देखिए मैनपुर ना इतने अच्छे से इधर बाजार लगा हुआ है। और मैं इस बार दिवाली पे आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। उस टाइम तो रायपुर में थी तो रायपुर में तो बहुत ज़्यादा रौनक होता है, बहुत प्यारा मनाया जाता है दीपावली को, बहुत खूबसूरत रहता है। मुझे दीपावली रायपुर में ही मनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये था हमारा मैनपुर, यहाँ मैं कुछ ख़रीदारी करने आई हूँ। तो आगे चलिए देखते हैं क्या खरीदते हैं। कितना धूप पड़ रहा है, मैं बैठी हूँ कार पे, मेरे हस्बैंड गए हैं सामने ATM है, वहाँ गए हैं पैसा निकालने। और इधर देखिए मैनपुर का भी इधर सब बाजार लगे हुए हैं। मैं आप सबको दिखाती हूँ, मोबाइल टर्न करके, कैमरा टर्न करके दिखा रही हूँ। फिर बहुत ज़्यादा धूप है, इधर सब शॉप लगे हुए हैं। आगे हैं इस साइड देखिए, और यहाँ पर ना सीता पेड़ है। सीता पेड़ के नीचे में जस्ट बहुत सारा फ्लावर्स है, तो आप सबको दिखाना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड तोड़ रहे हैं, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड वहाँ पास तोड़ रहे हैं गेंदे का फूल। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो फूल आएगा तो आप लोग को पास से दिखाऊंगी। फिलहाल ये है सीता का फल और इतना सारा फल हुआ है ना, ऊपर ऊपर पे है, हमारे हाथ से नहीं आएगी। यहाँ भी है ऊपर ऊपर पे और वहाँ भी है, तो ऊपर ऊपर पे है तो कैसे तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, कुछ है भी नहीं। पूरा तोड़ लिए, देखो इतना सारा आ गया हमारे पास फूल पूजा के लिए। इसे मैं फ्रिज पे रख दूंगी, इसे ना लक्ष्मी पूजा के दिन मैं डेकोरेट करूंगी फूलों से। तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, आप सबको दिखाती हूँ। दिखाओ जी निकाल के फूल किस प्रकार है, इतना बड़ा साइज है ना, ओ माय गॉड। ये देखो कितनी खूबसूरत है, और इस जंगल पे ऐसी उगाई है और खिल भी गई है, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो इतना सारा तोरे हैं, तो ये तो बहुत काम की चीज़ है। और इसी को हम खरीदते ना रायपुर में तो ये 50-100 रुपये का होता अभी, है ना। नहीं अमराज जी, पूरा पक गया है जान, बहुत सारा है जी। देखना ये ठीक है, वो धरे तीज में रहे, हाँ वो भी पकेगा चावल में, ये नीचे में
तो ये देखो सीताफल फाइनली मेरे हस्बैंड तोड़ रहे हैं और एकदम पक गया वैसी लग रहा है। दिखा दिखा ऊपर आओ ना, ये दे और है। ला रहे हैं झोला, ला रहे लाओ ना, मैं भी आऊं। आजा मोर सजना, फाइनली मोर हस्बैंड इतना बोले हूँ इतना बोले हूँ तो मोर लिए एकदम पक्के वाला देख सीताफल लेके आई से जो है पक के फट भी गए यहाँ से, ये देख सकते हो तुमन तो बहुत अच्छा से पका हुआ है गाइस। देखिए ये देखो ये दब भी रहा है, फ्रेश हो रहा है, मतलब इसको तो आज ही मैं पूजा पे चढ़ाऊंगी और आज ही हम पूजा पे चढ़ा के इसका प्रसाद बनाएंगे और आज खूब सारा हम तोड़ेंगे क्योंकि उधर मैं जा रही हूँ। फिलहाल मैं मोबाइल नीचे रख रही हूँ ना, मतलब कार पे रख रही हूँ और मैं चलती हूँ हस्बैंड जी का साथ देती हूँ। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पे ना दीपावली के टाइम नया खाते हैं तो नया चावल खाते हैं, तो उसी के लिए मैं अपने हस्बैंड को खेत पे जाने बोली हूँ नया चावल निकालने। और इसको ना हम लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा वाला स्थान पे भी रखते हैं, बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा पेट भरता है, अन्न है, माँ लक्ष्मी है, तो फिर हम ना इसे लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा वाला स्थान पे रखेंगे। तो मेरे हस्बैंड उतर गए हैं खेतों पे और खेतों की धान इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं बोल रही थी ज़्यादा मत तो रो, खेत का है किन्हीं का, बस इतना हो जाएगा, बस तीन चार दाने डालते हैं पुराना चावल में नए चावल के कुछ दाने डालते हैं और पूजा वाले स्थान पर रख देते हैं, फिर चिड़ियों को खाने के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए धान इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, मुझे इनका वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर हम आ जाते हैं घर, घर आते ही ये देखिए हम लाए रहते हैं सीताफल, तो सीताफल को ही मैं बारी बारी से निकाल रही हूँ, एक दो पका हुआ है बाकी पका नहीं है, कल परसों दीपावली तक सारा पक जाएंगे, दो दिन बाद कल ही पक जाएंगे, एक दिन बाद चावल में रखूँगी तो, लेकिन मैं दीपावली के दिन पूजा में सभी को निकालने वाली हूँ। अभी एक दो पका है तो हम धनतेरस पूजा के लिए एक निकाल देते हैं। देखो इतना सारा है और कैसा लग रहा है आप सबको बताना, छोटा वाला साइज पे है और ये देखिए छोटा छोटा रखिया भी लेकर आए हैं, हमें ये जंगल पे मिला तीन फला हुआ था तो हम तीन तोड़ कर ला लिए, छोटा छोटा था लेकिन कोई और तोड़ के ले जाता या गाय वगैरह खा वाले थे इसलिए ना मैं तोड़ के आ गई। अब इसे हम बड़ी बनाएंगे क्योंकि बड़ी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाइस, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा और तोड़वा लिए इतने छोटे छोटे को। और ये देखिए ये झाड़ू लेकर आई मुझे, ये 200 रुपये पड़ा झाड़ू आई, और ये रखिया बहुत छोटा छोटा है लेकिन इसे ना कोई और तोड़ लेता क्योंकि जंगल पे था, नहीं तो गाय वाय खा जाते, तो हमारी नज़र आज पड़ गई तो हमने तोड़ लिए, तीन तोड़े हैं ये देखिए। और खूब सारा सीताफल, सीताफल बहुत सारा है लेकिन ना बहुत ऊपर ऊपर पे है, आ नहीं रहा था और शाम हो रही थी तो हम लोग ना जल्दी आ गए, इतना ही तोड़ लिए पूजा के लिए, इतना हो जाएगा, दो तीन पका है इसमें से, आप सबको दिखाऊँगी पूजा के टाइम। ये देखिए मेरे हस्बैंड पेट पूजा कर रहे हैं, पूजा पेट पूजा हो रहा है, पूरा डब्बा लेके बैठ गए हैं, पूरा तो है थोड़ा सा पूरा डब्बा पैक था, यही खा खा के खत्म किया है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ पूरा मिक्सचर खा गए हैं। कैसे जी जब भी आते हैं मिक्सचर डब्बा लेके बैठ जाते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं पूजा के टाइम, अभी मैं सब्जी कट करूँगी, मुझे सब्जी खाना बनाना है, उसके बाद पूजा के लिए रेडी होंगी मैं। तो मैं मेरा सब्जी बन गया है और एक साइड मैं दाल और चावल चढ़ा कर आ गई हूँ और इधर बैठ गई हूँ, दिया को डुबाने रखी थी क्योंकि डुबाने से ना उसे बहुत सारा पानी अब्जर्व कर लेते हैं, ऐसे में ना हम तेल डालेंगे तो पूरा तेल सोख लेगा दिया, तो इसीलिए हम इसे पहले ना आधा घंटा पहले दिया को डुबा कर रखे थे पानी पे और अच्छे से पोंछ लिए हैं और पोंछ के हम अब इसमें दिया जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम आज धनतेरस है तो हम लोग ना धनतेरस को 13 दिया जलाया जाता है यहाँ, तो हम ना 13 दिया जलाएंगे और धन 14 को 14 दिया जलाया जाता है।
तो ये देखिए मैं तो जला रही हूँ अपना तेरा दिया, इसी तरह से काम कर रही हूँ। मेरा खाना सब्जी भी उधर बन रहा होता है और ये देखिए हम सारे दिए जला भी लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने अपने घर दियों से जला दिए, दीप जला दिए हैं। अब माँ लक्ष्मी हमारे घर तुम ही रहती सदा हो मेरे पास तुम ही। सीते मेरी प्रिय तुम सीते, देखिए आप सबका हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वाला वीडियो यहीं तक था गाइस, बाय बाय। हम देखिए पूजा कर रहे हैं, वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं 10, रात के 10 बजे हम धनतेरस की पूजा किए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत लेट से आए। क्यों आए लेट से बताना चाहोगे? वो अचानक अर्जेंट काम आ गया था, तार टूट गया था ना, तो उसमें इमरजेंसी जाना पड़ा क्योंकि लफड़ाई वाला काम है। अगर तार टूट जाए और नीचे गिर जाए तो फिर तो फॉल्ट आया था इसलिए मेरे हस्बैंड चले गए थे। हस्बैंड चले गए थे क्योंकि फॉल्ट आया था इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन था, इसलिए जाना पड़ा मुझे। तो बाय बाय गाइस, देखो मेरी मेरे हस्बैंड कितना प्यार करते हो, इतना अच्छा कलर आया लेकिन इधर नहीं आया। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आप सबकी खुशियों की बग्या शिवाय की रहे, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। ये हम ना प्रसाद खा रहे हैं और ये वही प्रसाद है जिसे हमने तोड़ कर लाई है। आप सब व्लॉग में पहले देखे होंगे तो मेरे हस्बैंड खाकर बताएंगे कि एकदम मीठा प्यारा है, खाकर बताएंगे कि कितना मीठा है, कितना अच्छा है। कल सभी पक जाएगा, चावल में रखी है, मीठा है, बहुत मीठा है। तो चलो गाइस हम तो प्रसाद खाते हैं, बाय बाय गाइस, मजा आ गया। सच्ची में तो खाते नहीं, मैं रंजक खिला दो ये तो ये बीज निकालने का नया टेक्निक। तो चलो गाइस रखते हैं, बाय बाय।